फाइनली पोको X2 यूजर्स को एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियल अपडेट, साथ साथ पोको लॉन्चर के साथ नेबर का भी अपडेट मिल चुका है और ये धीरे धीरे सभी के लिए रोल्ड आउट किया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा कि इस लेटेस्ट अपडेट 12.1.2 के साथ क्या कुछ नया देखने को मिलता है, और साथ साथ ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो आप किस तरीके से ऑफिशियल और अनऑफिशियल तरीके से इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने पोको के X2 डिवाइस के अंदर। बस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है और मैं आपको पूरी जानकारी इस एंड्रॉयड 11 के फर्स्ट अपडेट के बारे में दे दूंगा कि क्या कुछ हमें यहाँ पे मिलता है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे इन फ्यूचर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ जब भी कोई अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आप देखते हो बहुत सारे अपडेट का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर रखा है, तो अगर आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो इसे भी आप ज्वाइन कर लेना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो देखते हैं कि इस एंड्रॉयड 11 के साथ हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार काफ़ी बिग चेंज प्रोवाइड किया गया है जो कि एंड्रॉयड और नेबर पिल्स है। काफ़ी लंबे टाइम से हम पोको लॉन्चर के साथ एंड्रॉयड 11 और 10 के नेबर का वेट कर रहे थे कि कब हमें देखने को मिलेगा, और ये एंड्रॉयड 11 के साथ ऑफिशियली हमें प्रोवाइड कर दिया गया है इस लेटेस्ट अपडेट के अंदर। जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अगर एडिशनल के अंदर आता हूँ फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे, तो नेबर को इनेबल और डिसेबल करने का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है जो कि हमारे पोको के लॉन्चर के ऊपर ही हमें जो नज़र आता है, और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आता है, इसका फुल बेनिफिट यहाँ पर ले पाओगे। साथ साथ यहाँ पे फाइनली एंड्रॉयड 11 हमें मिल चुका है जो कि पोको के टीम ने हमें काफ़ी टाइम पहले ही प्रॉमिस किया था। तो ये दो बिग अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है MIUI 12.1.2 के अपडेट के साथ, जिसके अंदर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2021.1 देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे अगर हम अपने चेंज लॉग की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है ऑप्टिमाइज किया गया है नॉइज कुड बी हेयर्ड व्हेन द स्क्रीन वॉज टर्न ऑफ इन सम केसेज। एंड्रॉयड अपडेट सिक्योरिटी पैच जो कि जनवरी का कर दिया गया है और इंक्रीज किया गया है सिस्टम के सिक्योरिटी को, और ये स्टेबल बेस्ड अपडेट है एंड्रॉयड 11 के ऊपर। बस इतना ही छोटा सा आपको चेंज लॉग देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारा जो नेबर है और साथ ही एंड्रॉयड 11 का अपडेट। इसके अलावा कुछ और चेंज की बात करें तो एंड्रॉयड 11 होने की वजह से यहाँ पर आपको क्रोमा बुक, नियर बाई शेयर और एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन दिखाई देता है। साथ ही अगर हम अपने ब्लूटूथ के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे एडिशनल के सेटिंग्स में आपको शो ब्लूटूथ विदाउट नेम और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन आपके ब्लूटूथ को एक्सेस कर सकता है या नहीं उसके यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस अपडेट के बाद। अभी यहाँ पे सिस्टम का कोई भी ऐप अपडेट शो नहीं हो रहा है सिवाय शेयर मी और MIPay का। इसके अलावा कोई अगर अपडेट आता है इन फ्यूचर जिसमें कुछ नया ऐड होगा तो उस पर मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। साउंड के प्रोफाइल में आपको वही साउंड असिस्टेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे साइलेंट और DND का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि पहले भी हमें मिलता था। अगर हम इसके पोको लॉन्चर के अबाउट की बात करें यानी इसका वर्जन का, हमें देखने को मिलता है 2.20.1.17 जो कि अभी तक बताया गया था कि 3.0 का अपडेट आएगा तो नेबर दिया जाएगा, बट ये अभी 2 का ही अपडेट है और हमें नेबर देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ। बाकी वही सारे सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं जो कि हमें पोको लॉन्चर में पहले भी देखने को मिलते थे, जिनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड 11 आने की वजह से कुछ फीचर्स को यहाँ पे कम कर दिया गया है यानी निकाल दिया गया है। जैसे अगर हम रिसेंट पे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे भी आपको मिसिंग दिखाई देता है, यानी ओनली ऑन स्प्लिट स्क्रीन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से इन फीचर्स को रिमूव किया गया है। और डे बाई डे जब भी कोई छोटा मोटा अपडेट आएगा सिक्योरिटी पैचेज का, उनमें धीरे धीरे करके सभी एंड्रॉयड 11 के फीचर्स को ऐड करना शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप देख पाओगे कि जो डिफॉल्ट होम स्क्रीन पे जो वॉलपेपर है इसमें भी कोई भी जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि एंड्रॉयड 11 का एक ऑफिशियल फीचर है जूम इन और जूम आउट का जो कि पोको लॉन्चर की वजह से मिसिंग है। साथ साथ बाकी अगर MIUI लॉन्चर की बात करें तो उनमें अनलॉकिंग के टाइम पे एनिमेशन दिखाई देता है जो कि एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 दोनों पे है, बट यहाँ पे ये भी आपको कोई भी एनिमेशन नहीं मिलता है, यानी सिंपल तरीके से अनलॉक हो जाता है, बस नेबर दे दिया गया है। तो यहाँ पे एनिमेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमी किया गया है। कंट्रोल सेंटर के अंदर भी कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर एंड्रॉयड 11 का अपने वीकली अपडेट का वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने वहाँ पे शो किया है कि जब भी इस पर लॉन्ग टैप करते हैं
तो कुछ अलग टाइप से यहाँ पे शॉर्टकट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे अभी भी ओल्ड ही यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह दिखाई देता है, जिसमें कोई खास चेंज अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो गूगल का इसका सिस्टम ऐप अपडेट है, ये ऑटो अपडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप दो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है, एक गूगल खुद से सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारा MIUI सिक्योरिटी पैच खुद से प्रोवाइड करता है। तो हमारा MIUI का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे नजर आता है और गूगल का यहाँ पे स्टेटस दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे ऑटो अपडेट हो चुका है इस रोम के अपडेट आते ही। और यहाँ पे एक रिबूट का भी ऑप्शन आ रहा है कि रिबूट कर लें ताकि जो अपडेट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से दो तरीके से आपको अपडेट नजर आएगा, और इसका आइकन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इनमें से कुछ ऑप्शन को अगर रिमूव कर दूँ यहाँ पे, तो आप एक नया आइकन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो तो यहाँ पे ब्लू टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये चेंज देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 आने के बाद भी आपको L1 का सपोर्ट मिलता है, तो ऐसा नहीं कि L3 कर दिया गया है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो हर बार मैं Antutu जरूर चेक करता हूँ जब भी कोई स्कोर आता है, अपडेट आता है, तो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर स्कोर दिखाई देता है जैसे कि हमें MIUI 12 के एंड्रॉयड 10 पे मिला था, जो कि 269673 का है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे Antutu का स्कोर मिलता है, बट यहाँ पे छोटी मोटी कमी है कि कुछ फीचर्स वगैरह एनिमेशन वगैरह अभी तक ऐड नहीं किए गए हैं। साथ साथ यहाँ पे मोड पे आपको ब्लॉग मोड वगैरह देखने को मिलता है, जिसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे ड्रिजल का, टिप्सी का, मोवमेंट और बाकी अदर कूल्स वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कई सारे नए ऑप्शन भी ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड के आइकन देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले से यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो ब्लॉग मोड में कुछ नया ऑप्शन ऐड किया गया है, बाकी कैमरा वगैरह आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाकी आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें अब कोई चेंज एक्स्ट्रा आपको नज़र नहीं आता है, जो कुछ भी था सब कुछ मैंने शो किया है। बाकी जो सिक्योरिटी वगैरह का फीचर्स है, जो वॉल्यूम स्लाइडर वगैरह है, ये सब कुछ आपको ओल्ड ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसे मैनुअल अपडेट करना चाहते हो, क्योंकि अभी तक तो कोई एक्स्ट्रा फीचर्स दिया नहीं गया है सिवाय नेम बार के और ब्लॉग मोड के और साथ साथ हमारा जो एंड्रॉयड अपडेट के अलावा, लेकिन आप चाहो तो मैनुअल लेटेस्ट फीचर्स का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम स्लाइडर मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और सिक्योरिटी ऐप भी मैंने आपको ओल्ड दिखाया और गैलरी भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे मैं एडिट पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नया लुक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो में बताया था। और जो वाटरमार्क रिमूव का ऑप्शन था, पहले बीच में था, अभी ऊपर जा चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको नया फीचर्स मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मैनुअल एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पे ऑफिशियली ऐड कर दिया गया है मोबाइल फ्रेम वगैरह, जो कि एंड्रॉयड 11 के अपडेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो बैटरी का लेआउट है, जो कि मैंने आपको अभी ओल्ड दिखाया था, ये भी अब लेटेस्ट हो चुका है। साथ साथ अगर हम आते हैं अपनी सेटिंग की ओर और प्राइवेसी के ऊपर, तो यहाँ पे भी नया लुक आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो इसे अपडेट करना। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो दे रखा है, बस आपको मेरे चैनल पे आना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट का, जो कि MIUI सिस्टम ऐप्स अपडेट है। इनमें से सबसे लेटेस्ट वीडियो का आपको वॉच करना है, उसके बाद आप सारे लेटेस्ट फीचर्स का बेनिफिट इस फोको के ऊपर ले पाओगे, जिसमें एंड्रॉयड 11 और नेबार तो दिया गया है, बट फीचर्स अभी बहुत सारा मिसिंग है, तो आप मैनुअल अपडेट कर पाओगे। रही बात कि अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है, तो इसे अपडेट कैसे करना है, तो उसके लिए बस आपको अपने अपडेटर पे आना है, और ये जो लोगो है इस पे 6 से 7 टाइम टैप करना है। टैप करने के बाद आपका एडिशनल है जो अपडेट का फीचर, के बाद एडिशनल फीचर्स ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको 999 पे जाना है, चूज पैकेज पे जाना है, और जो फाइल आपने टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है ऑफिशियल का, उसे आपको ब्राउज करना है। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे MIUI का फोनिक्स IN ग्लोबल 12.1.2, और इसे सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये कुछ देर में सर्वर से रीड करेगा कि जो आपने फाइल सेलेक्ट किया है वो आपके फोन को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। और ये जो अपडेट है ये बैचेज में रोल आउट किया जा रहा है, तो सभी को एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो मे भी अगर आप मैनुअल अपडेट ट्राई करो तो ये काम ना करे, बता देगा कि बीटा प्रोग्राम है, आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा आता है तो आपको अपने फोन का बूट और अनलॉक करके TWRP के थ्रू फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके से काम करता है तो बस आपको रिबूट पर टाइप करना है, और थोड़ी देर में अपडेटिंग प्रोसेस शुरू होगा, कंप्लीट होगा, और आपका फोन अपडेट हो जाएगा। और एक बार आपका नॉर्मल इस तरीके से अपडेट होता है, तो आपको अपने फोन को एक बार रीसेट करना होगा, क्योंकि एंड्रॉयड 11 पे मे भी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा बग देखने को मिलेगा। तो जैसे आप रीसेट करोगे, सब कुछ अच्छे तरीके से मक्खन तरीके से काम करना लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑफिशियल वे में अपडेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपका है जो ये अपडेटर में शो करता है कि बीटा प्रोग्राम है, मैनुअल अपडेट काम नहीं करता है, तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर TWRP इंस्टॉल करना होगा, और उसके लिए आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है, तो एक नज़र डाल लेते हैं कि TWRP से हम कैसे इसे फ्लैश करके अपडेट कर सकते हैं। TWRP ओपन होते ही सबसे पहले आपको वाइप पे जाना है, ठीक है, और कोई भी रिकवरी हो आपको ऑरेंज फॉक्स का यूज़ करना है, यानी किसी दूसरे रिकवरी से ऑरेंज फॉक्स पे आपको स्विच करना होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इंटरनल के फाइलों को बैकअप ले लेना, क्योंकि वो यहाँ पे फॉर्मेट होने वाला है।
सम टाइम वाइप के टाइम पे आपको एरर देखने को मिलेगा, तो ऐसा अगर एरर आता है तो इसे आपको इग्नोर करना है। उसके बाद फाइल्स पे आना है और मेमोरी कार्ड या जो भी आपके पास OTG केबल है उसका यूज करना है और लेटेस्ट फाइल जो कि एंड्रॉयड 11 का है उसे ब्राउज करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे MIUI Phonix IN Global 12.1.2 है, इसे सेलेक्ट करेंगे जो कि एंड्रॉयड 11 का है और स्वाइप कर देंगे। कंप्लीट होते ही कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि आप जो कस्टम रिकवरी यूज कर रहे हो इसे आपको रखना है या फिर इसे आपको रिमूव करके MIUI के ऑफिशियल रिकवरी पे स्विच करना है। अगर आप ऑफिशियल पे स्विच करना चाहते हो, कस्टम रिकवरी यूज नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार होम पे आना है और यहाँ पे मैनेज पार्टीशन पे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा, इसे सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट कर देना है। यस, इससे इंटरनल का सब कुछ वाइप हो जाएगा। और ये फॉर्मेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये फर्स्ट एंड्रॉयड 11 का MIUI 12 है और इसमें साफ साफ बताया गया कि बहुत ज़्यादा लैग वगैरह देखने को मिलेगा अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो फॉर्मेट कंपलसरी है। तो ये फॉर्मेट होने के बाद रिबूट जैसे ही करोगे ये रिकवरी आपका रिमूव हो जाएगा और ऑफिशियल स्टॉक रिकवरी आ जाएगा जिस पर OTA अपडेट वगैरह हम यूज करते हैं। लेकिन आपको कस्टम रिकवरी चाहिए तो होम पे आना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैजिक्स को फ्लैश करना है जो कि सबसे लेटेस्ट होगा, उसी का यूज करना है। तभी मैजिक्स का 21.4GB लेटेस्ट है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। ऐसे में ये जो रोम है ये रूट भी हो जाएगा और जो आपके पास कस्टम रिकवरी है जैसे कि मैं ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहा हूँ वो भी रहेगा, ये रिमूव नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका परमानेंट कस्टम रिकवरी स्टेबल रहेगा आपके फ़ोन के अंदर। अब इसके फ्लैश होते ही अब आपको नॉर्मल सा रिबूट कर देना है। फ़ोन के ऑन होने में फर्स्ट टाइम में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा तो वेट करना पड़ेगा। अगर मे बी किसी यूजर्स के साथ प्रॉब्लम आता है कि ऑन करते समय है जो फास्ट बूट आ जाता है लोगो यानी ऑन नहीं होता है, तो आपको ये जो प्रोसेस है उसे फिर से फ्लैश करना है और जो फाइल आपने डाउनलोड किया उसे चेक कर लेना है कि वो वाइस सही है या गलत है। क्योंकि सम टाइम फाइल आप डाउनलोड करते हो बार बार बीच में रुक जाता है या फ़ोन ऑफ हो जाता है या इंटरनेट कनेक्शन बार बार ऑन ऑफ होता है, ऐसे में फाइल करप्ट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो आप एक बार फाइल को चेक कर लेना अगर प्रॉब्लम आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MIUI का लोगो आ चुका है। अब थोड़े से टाइम में ये ऑन हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है कि किस तरीके से आप विदाउट कस्टम रिकवरी और विथ कस्टम रिकवरी को हेल्प से MIUI 12 का एंड्रॉयड 11 अपडेट कर सकते हो अपने पोको के X2 डिवाइस के अंदर। तो वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट डिटेल के साथ, तब तक लिए बाय।